आज की कहानी है आलू अंडे और कॉफी बीन्स। एक लड़का था जिसका नाम विकास था और वो काफी उदास था। वह किसी कोने में बैठकर रो रहा था। उसके पिता ने उसे रोते हुए देखा और विकास से पूछा कि वह क्यों रो रहा है। तो विकास ने कहा कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, इस कारण वह दुखी है। उसके पिता बस मुस्कुराए और उसे एक आलू, एक अंडा और कुछ कॉफी बीन्स लाने को कहा। पिता ने विकास से उन्हें तीन कटोरों में रखने के लिए कहा। फिर उन्होंने विकास से उनकी बनावट को महसूस करने के लिए कहा और फिर उन्होंने प्रत्येक कटोरी में पानी भर देने का निर्देश दिया। विकास ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसके पिता ने फिर तीनों कटोरे उबाले। एक बार जब कटोरे ठंडे हो गए तो विकास के पिता ने उसे अलग अलग खाद्य पदार्थों की बनावट को फिर से महसूस करने के लिए कहा। विकास ने देखा कि आलू नरम हो गया था और उसकी त्वचा आसानी से छिल रही थी। अंडा सख्त हो गया था, वहीं कॉफी बीन्स पूरी तरह से बदल गई थी और पानी के कटोरे को सुगंध और स्वाद से भर दिया था। पिताजी ने समझाया, हमने तीन अलग अलग चीजों को समान विपत्ति से गुजारा, यानी कि तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीजें एक जैसी नहीं मिली। आलू जो कठोर था वो मुलायम हो गया, अंडा जो मुलायम था वो पहले से कठोर हो गया और कॉफी बीन्स से सुगंध और स्वाद भर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सभी को समान अवसर मिलते हैं और मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप परेशानी का सामना कैसे करते हैं और मुश्किल दौर से निकलने के बाद क्या बनते हैं।